आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मजे में होंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग हैं डबल डेकर रोड के पास, जो कि आज इसी का अपडेट के बारे में हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। अगर मैं बात कर लूँ कि डबल डेकर रोड बहुत ही पटना का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि भाई इसमें इस अशोक राजपथ पर बहुत भारी भरकम जाम का सामना करना पड़ता है लोगों को, इसीलिए इस डबल डेकर रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी हम लोग हैं गांधी मैदान के पास, तो इसके पास से दिखाते हैं कि आपको कैसा काम हो रहा है। तो देख सकते हैं, यह फिलहाल अभी हम लोग कारगिल चौक के जस्ट बगल में हैं और इसी जगह से ना सर्विस लेने को उधर है और इधर है, जो कि आप कह सकते हैं अशोक राजपथ पर भारी भरकम जाम का सामना करना पड़ता है, इसीलिए इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हैं बैरिगेड कर दिया गया है और कुछ हमेशा इस रोड पर ना काफ़ी जाम लगती है, इसी कारण से इसे डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है। तो अभी हम चलेंगे आगे और कहां तक काम हुआ है, क्या काम हुआ है, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आज गांधी मैदान की तरफ से हम लोग आ रहे थे और उधर से पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा इस इलाके में भरकर जाम का सामना करना पड़ता है। और बैरिकेड आप देख सकते हैं जगह जगह पर पिलर बना दिया गया है आपको जैसा कि नज़र आ रहा है। और यह मैं बात करूं कि गवाह कंस्ट्रक्शन इसे बना रही है। ये इधर से गांधी मैदान था फिलहाल और इधर से हम लोग अभी जाने वाले हैं पीएमसीएच की तरफ, और पीएमसीएच की तरफ दिखाएंगे आपको कि कैसा काम हो रहा है और कितनी तेज़ी से हो रहा है। मैं बात कर लूं कि डबल डेकर पर ना ऐसे तो फिलहाल बहुत तेज़ी से काम होता हुआ आपको इस तरह से पूरे में बैरिकेड दिखेगा। अशोक राजपथ पर जैसे आप आएंगे ना, तो आपको पूरे में इसी तरह का आपको बैरिकेड दिखेगा, जो कि देख सकते हैं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड और इसमें गावर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इसे बना रही है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी क्रेनें कह सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आपको इस प्रोजेक्ट पर आपको दिखाई देगा। क्योंकि अगर मैं बात कर लूँ कि इसी अशोक राजपथ पर बहुत सारे जैसे कि पीएमसीएच, बाकी डाकघर, साइंस कॉलेज, बहुत सारे चीज इसी रोड में आते हैं, इसीलिए इस रोड को बहुत बिजी माना जाता है, इसी का इस पर डबल डेकर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि स्ट्रक्चर लाजवाब है। अभी स्ट्रक्चर के पास हम लोग नहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। बात करूँ कि इस अशोक राजपथ पर ना फिलहाल अभी दो प्रोजेक्ट चल रहा है, पटना मेट्रो का भी प्रोजेक्ट बहुत गति से और डबल डेकर का रोड का भी प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा, जो कि पटना मेट्रो का भी यहां पर अपडेट चल रहा है और प्रोजेक्ट चल रहा है और आगे में आपको डबल डेकर वाला दिखेगा। देखिए सामने में आपको पटना मेट्रो दिख रहा है ना, वही है पटना मेट्रो का बोर्ड, पटना मेट्रो के लिए देख सकते हैं 42 नंबर पिलर है और 42 नंबर पिलर के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहीं से जो है पिलर का जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का बैठाया जाएगा, वो आपको सामने में नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कि आपको यहाँ पर से क्या तेज़ी में काम होता हुआ नज़र आएगा, किस तरीके का काम हो रहा है यहाँ पर। और आप डबल डेकर रोड आप देख सकते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर कह सकते हैं, तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। अभी 47 नंबर पिलर के पास हैं हम लोग और यहाँ से आपको दिखाने वाले हैं कि कैसा दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है किस तरह का पिलर स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि अभी उस आगे में अभी गार्डर भी आपको चढ़ाया हुआ मिल जाएगा इसके ऊपर, लेकिन आप सबसे पहले इसकी जो तस्वीर है उसका आप देखें। देखिए कुछ इस प्रकार से काम इधर आपको दिखेगा और सामने में आपको NIT घाट दिख जाएगा और इधर आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर जो है लाजवाब दिख रहा है डबल डेकर। तो आप देख सकते हैं कुछ अभी है, हम लोग NIT घाट के पास पहुंचने ही वाले हैं और उसके पहले आपको देख सकते हैं फ्लाईओवर आपको देखने को मिलेगा, जो कि डबल डेकर में फिलहाल इसमें मिल जाएगा ठीक ना, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, जो कि आप स्ट्रक्चर देखे बहुत ही लाजवाब आपको उधर से दिख रहा था, लेकिन सामने से आप देख लीजिए कुछ इधर आप अगर जाएंगे तो NIT घाट चले जाएंगे और गाय घाट भी चले जाएंगे जैसे, तो क्या स्ट्रक्चर लग रहा है, लाजवाब लग रहा है। जब इसका बन जाएगा तो आप सोच लीजिए इस रोड पर जो भारी भरकम जाम का सामना करना पड़ता था
वो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या ही स्ट्रक्चर है, बस ये देख लीजिए और समझ जाइए कि क्या होने वाला। भाई अपना पटना बहुत ही बदल जाने वाला है। इससे तो भाई पटना सिटी, पटना कह सकते हैं, अशोक राजपथ पर बहुत भारी भरकम जाम का सामना करना पड़ता था, इसी का इस रोड का निर्माण किया जा रहा है। देख सकते हैं कुछ 57 नंबर पिलर तक, यानी 57, 58, 59, 59, 60, 61, 62 तक पिलर का निर्माण करके इसके ऊपर गार्डर चढ़ा दिया गया। कुछ इस तरीके से लग रहा है, डबल डेकर वाला काम। और इधर आपको 56, 55, 54 आपको एक नंबर पिलर से दिखाते आए कि यहाँ तक में क्या काम हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब भाई मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।